भिवंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर अरुण सावंत ने आज एक पत्रकार परिषद ली, जिसमें उन्होंने भिवंडी लोकसभा अंतर्गत विकास कामों के विषय में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। भिवंडी शहर का विकास ग्रामीण वासियों की मूलभूत सुविधा है। औद्योगिक शहर समझा जाने वाला भिवंडी में रोजगार की कमी जैसे मुद्दों को लेकर डॉक्टर अरुण सावंत जनता के सामने जाएंगे। डॉक्टर अरुण सावंत एक सुशिक्षित और शिक्षण संशोधन और सामाजिक क्षेत्र में सेवा देने वाले व्यक्ति है। देखिए लो, भिवंडी ये पूरा देश में बहुत मशहूर शहर है। इस शहर में देश को बहुत संपत्ति भी दी है, जिसको मैनचेस्टर बोलते हैं टेक्सटाइल का। लेकिन ये शहर में इतना बड़ा उद्योग जो है, उनके उद्योग की समस्या है, बिजली की समस्या है, उनको सुविधा देने की समस्या है, कि जिसके सहारे ये उद्योग बड़ा बन जाता था और बड़ा 10 गुना बढ़ता था। और जहाँ इसमें जो कामगार काम करते हैं, उनकी हेल्थ सुरक्षा जो है, उसके लिए भी कोई खास सुविधा नहीं है। तो ये उद्योग को सर्व प्रकार से बढ़ावा देने के लिए, वो उद्योग को कुछ सुविधा देने के लिए, बिजली टैरिफ कुछ स्पेशल देने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देती है इतना, ये धोरण किया नहीं है, वो हम करेंगे। तो ये पूरे शहर का यातायात पूरा बिगड़ गया है, कोई सार्वजनिक सुविधा का पूरा अभाव है। शहर में पूरे ट्रांसपोर्ट घुसी जा रही है, लेकिन उसका पेरिफेरल कोई विकास हुआ ही नहीं है। और डंपिंग ग्राउंड के प्रश्न हैं, कल्याण के भी प्रश्न हैं, पानी के प्रश्न हैं, कांवर नदी को हम देख नहीं सकते। और इस शहर के अवती भवती जो परिसर है, वो पूरा हमारे खेडूतों का, किसानों का, छोटे मोटे जो जानवर पालने वाले, दूध बेचने वाले, शहर को सब्जियां देने वाले, अनाज देने वाले, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। क्षेत्र के मुझे नीति नियम समझता है, नियमन समझता है, बिल बनाना समझता है, लोग की समस्या कैसे बनाना, DPR रिपोर्ट कैसे बनाना, लोग मत क्या है, इसका एक साइंटिफिक स्टडी करके उसको एक नेशनल ग्लोबल स्टेटस पैदा करके देश विशेष की मदद जिसमें आ जाए, जिसे UN का सहभाग हो जाए, UNDP का सहभाग हो जाए, ग्लोबल एजेंसीज है, अमेरिकन एजेंसीज है, जो सारे आप पैसा ला रहे हैं बुलेट ट्रेन के लिए, इसके लिए, मैं तो प्राथमिक सुविधा के लिए वो पैसा लाऊंगा अगर हमारे पास कम है तो।